आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग H&M आए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ रश होता है तो मैं ज़्यादा विजिट नहीं करती हूँ, पर सोचा आज कुछ ट्राई किया जाए क्योंकि फेस्टिवल टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑफर्स भी चल रहे हैं और विंटर के कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो देख सकते हो अफजान, पहले सोचा मैं कुछ ले लेती हूँ बट अफजान अपने लिए ही ढूंढने लगा आजकल। वो मतलब खुद की पसंद से अपने लिए टी शर्ट्स ले आता है और कहता है कि मम्मा मैं इसे ट्राई करूँगा, और अब उसे चीज़ें समझने लगी है, कपड़े समझने लगे हैं, वो अपने जीन्स टी शर्ट्स को पहचानने लगा है। देख सकते हो वो अपने लिए कपड़े खुद ही ढूंढ रहा था और हम लोग उसकी चॉइसेस के पीछे पीछे जा रहे थे कि ठीक है आप तुम बताओ तुम्हें क्या चॉइस अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा मतलब पसंद आ रहा है। तो हमें एक टी शर्ट पसंद आई थी, एक से दो टी शर्ट पसंद आई थी, बट ये अफजान को थी, पर ये स्लीवलेस मतलब छोटा स्लीव्स का था। तो मैंने सोचा कुछ काम का है नहीं है, विंटर आने वाला है तो फुल स्लीव्स का या स्वेट शर्ट या जैकेट ऐसा कुछ देखते हैं और कुछ उससे मैचिंग ट्राउज़र देखते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे भी है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ प्लान कर रहे हैं कि वैसे भी नवंबर में ठंडा लग जाएगा तो ये एक जैकेट हमने निकाला था और साथ ही में उसके नीचे का कोई ट्राउज़र या जीन्स या पैंट देख रहे थे एज अ पेयर, उस पर कुछ मैचिंग हो जाए। एक ड्रेस मैंने ऑलरेडी जूडियो से ले चुकी हूँ, ये सेकेंड ड्रेस है क्योंकि अभी आगे बहुत मतलब एनिवर्सरी भी है, फिर हम लोग कहीं कुछ प्लान भी कर सकते हैं कहीं घूमने जाने का, तो हमें सारी चीज़ें काम ही आनी है, इसीलिए भी मैं इसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ। और जो कंफर्टेबल हो विंटर में पहन सकते हो, बहुत अच्छे कलेक्शन थे H&M में, क्वालिटी वाइज तो आप जानते ही हो कि अच्छा रहता है और प्राइस भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत हाई राइस था, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा था, अफोर्डेबल था और कुछ ना 20-30% 10% डिस्काउंट ऑलमोस्ट चल ही रहे थे सभी चीज़ों पर। तो यहाँ मैं बच्चों की सेक्शन में थी, बहुत देर तक हम लोग ने बहुत कुछ सर्च किया अफजान के लिए और कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, उसके बाद उसको ट्रायल भी करना था। देख सकते हो मुझे ये एक दो जीन्स और ट्राउज़र अच्छे लग रहे थे विंटर के हिसाब से, ताकि वो थोड़ा सा वार्म भी रहे और कुछ नया भी डिफरेंट भी हम लोग उसके लिए ट्राई कर सके। और यहाँ से वहाँ अफजान भागे जा रहा था, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता शॉपिंग के टाइम में, बिल्कुल वो हम लोग के जैसे ही है, हम लोग को भी शॉपिंग करना ट्रैवल करना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, वैसे ही अफजान भी उसे भी सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, वो जब भी यहाँ ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और देख सकते हो हम लोग का सडनली प्लान ही बना था, तो ऐसा कुछ हम लोग सोच के नहीं आए थे, बट आज था कि ठीक है कुछ अच्छे लग रहा है तो ले ही लेंगे, अदरवाइज़ वो फिर पेंडिंग होता जाएगा। और अभी कलेक्शन फेस्टिवल के हिसाब से बहुत अच्छे चल रहे हैं H&M में, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर्स भी चल ही रहे हैं। गर्ल्स के लिए तो बहुत क्यूट कलेक्शन थे, बट वही था कि मैं फ़िलहाल मेरे पास तो कोई बेटी नहीं है और मैं ऐसा कहीं कहीं जा भी नहीं रही कि मैं किसी को गिफ्ट दे सकूं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई कर लिया था, मैंने अफजान के लिए ले लिया था और यहाँ से मैं अफजान को पकड़ रही थी, वो चीज़ों को लेके भागता है क्योंकि डर लगता है कोई चीज़ गिरा ना दे, नुकसान ना हो जाए। और साथ ही में मैंने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग किया है, आपको लास्ट में पता चलेगा, मतलब मैंने दिखाया है मैंने क्या लिया है। तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे थे कुछ ऑफ़र तो नहीं है, हाँ तो उसके बाद में सारी चीज़ें मैंने चेक कर लिया था, कुछ चीज़ों में था 10-20% ऑफ़र्स भी थे क्वालिटी वाइज, तो मुझे बहुत अच्छा ड्रेस मिला है, मैंने अपने लिए ड्रेस लिया है। और मैंने उसके बाद सोचा यार लेने से पहले एक बार ट्राई कर लेते, तो ट्रायल रूम के सामने देख सकते हो काफ़ी लंबी क्यू थी, बट ठीक है यार बिना ट्राई किए लेने से तो बेटर है कि ट्राई करके लिया जाए। तो हम लोग का ड्रेस फाइनल हो चुका था, मैंने लिया है, अफजान ने लिया है, उसके बाद में हम लोग ने उसका बिलिंग भी करा दिया है। ऐसा कुछ अनप्लान रहता और कुछ शॉपिंग हो जाए ना तो मूड एकदम अच्छा हो जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आज हमें कुछ लेना है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी में मुझे मेरे लिए ड्रेस मिला, अफजान के लिए मिला और कहीं ना कहीं हम लोग के कलर मैच हो गए हैं, मैंने भी रेड लिया है, अफजान ने भी रेड लिया है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। फाइनली हम लोग का शॉपिंग हो चुका था डन, उसके बाद लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने अपने लिए ये सैलेड वाला थोड़ा सा स्टाचोस मंगाया था और हस्बैंड ने ग्रिल चिकन था जो हेल्दी भी है, ग्रिल खा सकते हो आप, ये फ्रेंच फ्राइज अफजान के लिए था क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है, तो कॉम्बो में ही था तो फिर एक्स्ट्रा हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद में अफजान ने थोड़ा बहुत मस्ती किया, खेला है और आज ठीक ठाक भीड़ था, मतलब बहुत हैवी रश भी नहीं था, बट हाँ है अभी चल रहा है माहौल, लेकिन अच्छा लगता है फेस्टिव सीज़न में थोड़ा सा रौनक रहती चारों तरफ। और उसके बाद में हम लोग नीचे आ गए थे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लिए घर के लिए, और यहाँ पर फिर हम लोग ने एकदम थक गए थे तो जूस पिया मैंने वाटरमेलन का, और मेरे हस्बैंड ने पिया था मौसम्बी का जूस, बहुत ही अच्छा था। यहाँ अफजान बैठ के खेल रहा था, तो देख सकते हो बबल्स उसका काफ़ी फेवरेट है, हमेशा वो लेता रहता है। फिर आप देख सकते हो मैंने ये लिया था, हमारा शॉपिंग बैग है, हम लोग घर आके सोचा आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, फुल लुक तो आपको लास्ट में ही मतलब जब भी पहनूंगी दिखेगा। ये मेरा ड्रेस था रेड कलर का, ये अफजान का टी शर्ट था जो आपने देखे ही होंगे मैंने क्या लिया है, ये टी शर्ट है, ये उसके लिए ट्राउज़र था नीचे उसके लिए, और ये रेड वाला ड्रेस मेरा है जो मैं आपको जब भी पहनूंगी ज़रूर शेयर करूंगी। बस यही था मेरे H&M वाला शॉपिंग ब्लॉग, थैंक।